हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं जी मेरे बहन भाई? सब ठीक है, खैरियत से हैं? तो जी गाइस, आज मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में क्या बनाने लगी हैं? बनाने लगी हूँ जी, मैं बनाने लगी हूँ पुलाव। पुलाव? हाँ जी। वाह यार, और गोल्डन पुलाव। गोल्डन पुलाव वाह यार, जबरदस्त हो गया। मैं दिखाती हूँ बहन भाइयों को। जी जी जी, ये जी राइस है जी, और जी। ये गोश्त है उबाल कर मैंने रखा हुआ है जी जी। और साथ टमाटर है, प्याज है जी जी, और दड़ा मिर्च है, चिली है, नमक है, और ये भी चिली है जी, और साथ बिरयानी मसाला है और गरम मसाला है, ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो बेगम फिर जल्दी से बनाओ यार। हाँ जी, मैं जल्दी से बनाती हूँ, और मक्खियाँ भी बहुत ज्यादा है इधर, गर्मी का मौसम है ना, तो मैं स्टार्ट करती हूँ खाना बनाते हैं हम, और भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, शाम का टाइम है। जी हाँ जी, मैं स्टार्ट करती हूँ। हाँ जी, घी गर्म हो चुका है और मैं प्याज डालने लगी। चले ठीक है, जबरदस्त हो गया। और इसे मैं करूंगी लाइट ब्राउन प्याज को। आज तो बेगम हवा भी काफी चल रही है। हाँ जी, अभी चली है, थोड़ी देर हो गई है, हवा चल रही है। शुक्र है अब मौसम सही आ रहा है, गर्मी का मौसम जा रहा है। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस जल्दी से बनाओ, आज तो चावल खाएंगे यार, जबरदस्त स्पाइसी स्पाइसी टेस्टी। बहुत आसान तरीका है पुलाव बनाने का। जी जी, बहुत आसान है भाइयों को पता है, बड़ी आसानी से ही बन जाता है पुलाव। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, लेकिन हम गोल्डन गोल्डन बनाएंगे पुलाव। चले सही है, हो चुकी है ब्राउन। हाँ जी जी, गोल्डन प्याज, गोल्डन प्याज, प्याज को गोल्डन ब्राउन किया, और ये मैं डाल रही हूँ जी गोश्त को। गोश्त को मैंने गलाकर रख दिया था, ऐसे भी हम ब्राउन करेंगे अच्छी तरह। अच्छा, इसका मतलब आपने इसको पहले गला लिया था? हाँ जी, इसे गला कर मैंने रख दिया था। सही। लाइट ब्राउन हो चुका है गोश्त को भी, मैंने लाइट ब्राउन कर लिया, और ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया मैंने, साफ सब्ज मिर्च है क्योंकि इसे भी हम करेंगे लाइट, और गोल्डन गोल्डन हम पुलाव बनाएंगे जी। साथ में टमाटर डाल दिया, और ये साथ में दड़ा मिर्च, नमक, और ये जी रेड चिली, और गरम मसाला, और ये बिरयानी मसाला, ये सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी है इसमें। इसे हम बोलेंगे इसी तरह, थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये गोश्त को मैंने अच्छी तरह भून लिया मसाले को, और ये मैं डालने लगी हूँ पानी चावलों का। बिस्मिल्लाह, ये पुलाव के लिए पानी डाल रहे हैं हम इसमें। बिस्मिल्लाह, और ये पानी वो ही है जो आपने? हाँ जी, इसमें से गोश्त निकाला था। चले कोई बात नहीं। हाँ, पानी मैंने इसका खुशक कर दिया था, मैंने यखनी नहीं रखी। सही बिल्कुल। पानी ऐड हो गया? हाँ जी जी, पानी ऐड हो चुका है, अब इसमें उबाल आएगा जी जी, फिर आप इसमें चावल ऐड कर देंगे। ओह वाह यार, ये तो कमाल ही हो गया बेगा, जबरदस्त। ये ले जी, अब हमने ढक्कन दे दिया इस पर, और अब हमने
और बेगम शाम हो रही है और सूरज भी गुरूब हो रहा है और बादल हैं और सूरज गुरूब हो रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बकरियों का मैंने वो भिगो कर रख दी है सारा कुछ। अच्छा, खा लो और चोकर खा, नहीं खा लो और रोटी। ये मैं गाइस को दिखाऊं? हाँ जी दिखा दे। गाइस ये देखें, ये रोटियां और खाल मैंने भिगो कर रख दी है और ये अपना वेट कर रही हैं, पट्ठे वगैरह इन्होंने खा लिए हैं। इन्हें इसीलिए मैंने बांधा हुआ है कि ये फिर इधर आती हैं और फिर तंग करती है करती है ना तंग? हाँ जी बहुत ज्यादा तंग करती है। और शेरू और बेला इधर बैठी हूँ मैं, आराम से वेट कर रहे हैं कि हमें कुछ भी ये गोश्त वगैरह हमें भी डालें। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। पेट तो मैंने डाली थी इसको, पैर को डाली है, सही अब शाम को डालेंगे। चलो देखा एक बार अच्छी तरह। हाँ जी अच्छी तरह पानी इसका ना उतार दूं मैं। चलो फिर चावलों की ना वो आती है ना महक सी, वो भी आती है अच्छी तरह धोए हों तो चावल। सही जी। तो बेगम बताओ यार, कहाँ तक ये आपकी रेसिपी पहुँची हुई है गोल्डन पुलाव की? गोल्डन पुलाव बस तैयार होने वाला है, पानी उबल चुका है और साथ में राइस डाल रही। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अरे इंशाल्लाह ये मजे मजे का तैयार होगा। और जिस बहन भाई ने खाना हो जी मोस्ट वेलकम जी, फटाफट तैयार होके आ जाए। बहन भाई मोस्ट वेलकम, बहन भाई तो पहले होते हैं ना। हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। और जो मेरे माँ बाप की एज के हैं वो उनसे बहन भाइयों से भी पहले। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह बेगम, मेरे तो मुंह से पानी आ गया यार। बट साहब रोज ही ऐसे खाने खाते हैं नहीं वैसे आज भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है और माशाल्लाह पुलाव बना रही हैं और ये तो बहुत ज़बरदस्त स्पाइसी स्पाइसी। और साथ आपने मेरा ख्याल इसका रायता भी बनाया आपने? जी रायता बनाया, लेकिन वो रायता महरीन ने बनाया है, महरीन शहजादी ने बनाया है, वो साथ बैंगन खीरे और साथ प्याज टमाटर और दही डाल कर रायता बहुत मजे मजे का महरीन ने बनाया। चले जबरदस्त, पुदीने और धनिये और सफेद मिर्चों की चटनी। वाह जी वाह, ये तो तैयार करके उसने फ्रिज में रख दिया होगा। और ये कितनी देर तक तैयार हो जाएगा? 15-20 मिनट। ओह वाह, चले ठीक है फिर खाएंगे बैठ के दोनों। ठीक है जी। तो बेगम अभी आपने दम नहीं दिया? नहीं बस देने वाली हूँ, थोड़ी थोड़ी देर है, थोड़ा सा पानी रह गया। अच्छा जी, वाओ माशाल्लाह, खड़े खड़े चावल बड़े मजे मजे के बनेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जल्दी से करो यार जल्दी से। भूख 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 बस तैयार हो गई। बेगम खरगोश बाहर आए हुए हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, खरगोश आए हुए बाहर। गाइस ये देखें, आज पकड़े गए हैं इसीलिए कि ये अंदर ही रहते हैं, शाम के टाइम निकलते हैं तो भी इंजॉय कर रहे हैं बाहर आकर दोनों। वाह जी वाह, खाने खाए जा रहे थे। जी बेगम दम के लिए रेडी? हाँ जी दम के लिए माशाल्लाह। वाह यार चले माशाल्लाह माशाल्लाह, लगाएं लगाएं दम लगाएं माशाल्लाह। गोल्डन 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 गोल्डन, चले आप दम लगाएं दम लगाएं। तवा नीचे रखा है ना मेरा ख्याल है? सही, थोड़ी देर में इसकी आग तेज करूंगी, तवा गर्म हो जाएगा फिर दम डाल दूंगी। चलें 10-15 मिनट के लिए मैं दम लगाऊंगी, उसके बाद उतार दूंगी। ओके दम खत्म, दी एंड। हाँ जी बेगम
दम लगाया हुआ है ना? हाँ जी दम लगाया हुआ है। तो आपको फिर मैं ये कोक दूं? है? चलो ये लो फिर कोक आ रही है आपके लिए। ज्यादा सारी पी लेना। बड़े साहब अभी मैंने खाना खाना है, मैंने कोक से पेट तो नहीं भरा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ज्यादा पी लेना ना। नहीं मैंने वो गोल्डन पुलाव भी बड़ी साहब खाना है। ताकि चावल तुम कम खा सको। नहीं नहीं इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मैंने गोल्डन पुलाव खाना ही आधी आधी हम पियेंगे। अच्छा और आपने तो पूरा जग ही भर के दे दी। चले कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, आप पियो। जी बेगम दम लग चुके? हाँ जी जी दम लग चुका है। ओ वाओ माशाल्लाह माशाल्लाह देखिए। हाँ जी जी माशाल्लाह दम लग चुका है। जी जी माशाल्लाह जी देखिए रेडी हो चुका है और गोल्डन गोल्डन पुलाव तैयार हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह ये तो जबरदस्त हो गया बेगम। हाँ जी जी ये देखिए अलग अलग से राइस बने माशाल्लाह। जी जी तैयार हो चुका है माशाल्लाह। तो फिर खाना खाएं, अभी शाम का टाइम है। हाँ जी खाना खाते हैं। चलें ठीक है। अच्छा जी ये पुदीना और धनिया? हाँ जी जी पुदीना और धनिया। वाओ इससे बहुत अच्छा अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चले ठीक है फिर बेगम चलते हैं अंदर। हाँ जी अंदर चलते हैं और मैं खाती हूँ खाना और खाना लगाती हूँ खाना खाते हैं। जी तो बहन भाइयों से इजाजत लें। हाँ जी जी बहन भाइयों से इजाजत लेते हैं। जी बहन भाइयों ने खाना खाना है तो जी मोस्ट वेलकम। मोस्ट वेलकम सर। गोल्डन पुलाव तैयार हो चुका है और खा सकते हैं, मैंने मना नहीं आपको किया। ले जी ओ वाओ प्लेट करे। हाँ जी बहन भाई और मैं डालकर देती हूँ और खाए खाए खा सकते हैं जी। ठीक है अब हमें दे इजाजत हमारे चैनल को जी लाइक करें सब्सक्राइब करें और जी बेल का बटन दबा दें और हमारी नई आने वाली वीडियो बहन भाइयों ने बच्चियों ने बच्चों ने और जो मेरे माँ बाप की एज के उन सब ने जरूर देखनी और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में बट्टी साहब की फैमिली को याद रखिएगा और ये भी बताना मैंने गोल्डन पुलाव कैसा बनाया। ओके जी अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।